हाय फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। 2030 में हमारे अर्थ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। सन एंड मून प्लेज अ वाइटल रोल इन कंट्रोलिंग द सी लेवल। व्हेन द ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर डिस्टर्ब देन हाई टाइड्स कम्स इन एग्जिस्टेंस। मतलब सूर्य और चंद्रमा का खास रोल होता है हमारे जल स्तर बढ़ाने और घटाने में। दिस यू हैव रेड इन योर स्कूल डेज इन ज्योग्राफी सब्जेक्ट। तो क्या आप जानते हैं इस इन्फॉर्मेशन के बारे में जो नासा ने दी है? एज़ पर देयर रिसर्च मून इज़ डिस्प्लेसिंग, मतलब हमारा चंद्रमा अपने स्थान से हट जाएगा, जो कि हमारी पृथ्वी के लिए बहुत बड़ा संकट साबित होने वाला है। समुद्री वेव्स की हाइट 3 से 4 फीट बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से कोस्टल एरियाज़ में हर महीने में 2 से 3 बार बाढ़ आ सकती है। नेशनल ओशन एंड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है कि 1880 से सी लेवल अब तक की 8 से 9 इंच तक बढ़ चुका है। इट्स जस्ट लाइक अ ग्लोबल डेंजर अलार्म। डिस्प्लेसिंग ऑफ मून इज़ अफेक्टिंग इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि चंद्रमा के अपने ऑर्बिट से हटने की वजह से उसके ग्रेविटेशनल फोर्स में चेंज हो रहा है। इसका कारण है अर्थ पर लगातार हाई टाइड्स आएंगे, जिसका नाम है न्यूसेंस फ्लड रखा गया है। नाउ द फिंगर क्रॉस्ड, होप वी विल ओवरकम विद दिस प्रॉब्लम। आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री राम।